नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। देखिए, एक नोटिस आया हुआ है जिसके आधार पे आपकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, देखते हैं, ट्राई करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। 12 ग्रुप हैं, उनके एग्ज़ाम डेट डाल दी गई है, रीशेड्यूल है। सच है, झूठ है, फेक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूँ, अगर आप ALM SA की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये 999 रुपये का प्रैक्टिस बैच ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका क्या होगा, 599 रुपये में आपको मिलेगा। और यहाँ पर आपको 5000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई गई है। एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है, जिसने कर रखा है उसे पता है, जिसने ज्वाइन कर रखा है उसे पता है। कर लीजिए आराम से, आपके 20-22 दिन में सारा का सारा डाटा रिवाइज हो जाएगा, रिविज़न हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो 99 रुपये आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए, 9816255040, तो आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 15 प्रैक्टिस सेट हम बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयार किए गए हैं न्यू पैटर्न के आधार पे, ठीक है। उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, अभी ये नोटिस आया हुआ है जो आप देख पा रहे हो, देखो, ठीक है। इसके अंदर देखो भी 1/7/2/7 को पहले एग्ज़ाम होना था, वो पोस्टपोन कर दिया था और रीशेड्यूल फ्रेश शेड्यूल डाला गया है। फ्रेश शेड्यूल के अंदर क्या है, 22/7 और 23/7 को एग्ज़ाम होना है आपका, सैटरडे संडे को, यानी ग्रुप नंबर 16 का 17 का 22 का। 22 नंबर ग्रुप जो है ALM शिफ्ट अटेंडेंट वगैरह का है, ठीक है, जिसके अंदर आपका दिया हुआ है 184 से 199 कैटेगरी है। 22 नंबर यानी ये 22 तारीख को पेपर होना है आपका, इसके हिसाब से अगर ये सही है तो 22 तारीख को होना है। अगर ये फेक है तो जहाँ तक है, मैंने HSSC की साइट पे जाके चेक किया था, मुझे मिला नहीं था, लेकिन ये हो सकता है कई बार भी हमने ऐसा भी देखा है, भी नोटिस पहले आ जाते हैं और HSSC की साइट पे बाद में अपलोड होते हैं। पता नहीं, हो सकता है कहीं और सोर्स से निकल आएँ, और सिस्टम से निकल आएँ और बाद में अपलोड हो जाते हैं वहाँ पर, तो हो सकता है, देख लेना। अगर देख लेना और अगर हुआ तो हम बता देंगे, लेकिन अभी तक जब तक मैंने देखा HSSC की साइट पे ऐसा कोई नोटिस नहीं था। भी एडिट करके डाल देते हैं कई बार, शरारती तत्व है, तो अभी तक तो मुझे यही लग रहा है अभी ये नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आपके जुलाई के लास्ट वीक में होने की संभावना है। इतना हम कह सकते हैं कि जुलाई के लास्ट वीक में होने की संभावना है, तो आप तैयारी को रेगुलर रखिए, उसी हिसाब से रखिए और धीरे धीरे प्यार से आराम से पढ़ते रहिए, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्ज़ाम को देखोगे और जितने कैंडिडेट हैं उस हिसाब से अगर आप देखते हो भी, कंपटीशन बहुत कम है। कंपटीशन कम होने का कारण है भी नौकरी आसान है, लेकिन इतनी भी आसान नहीं है भी आप पढ़ो नहीं और कहीं 40-50 वाले फंडे में फंस जाओ, तो उसके लिए आप पढ़ लेना। अगर आप 40-50 से भी नीचे रहने की आपकी संभावना है तो मैं इसका दावा करता हूँ, आराम से आप प्रैक्टिस हमारे साथ कीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो आराम से आपका 50% फंडा तो आराम से क्लियर हो जाएगा। और जिसने थ्योरी करने के बाद, थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे करवाई गई है, अगर थ्योरी करने के बाद ये कर लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे थ्योरी के अंदर, इलेक्ट्रिकल के अंदर, तो आप आसानी से बहुत बढ़िया तरीके से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेन मुद्दा रहता है। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से लगाए जाते हैं, किस क्वेश्चन को निकाला कैसे जाता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पता चलेगी, ठीक है। तो तैयारी कीजिए, अगर 22 तारीख को पेपर है तो आपके दिन बचे हैं अभी 20 दिन बचे हैं, 20 दिन के हिसाब से अपना सेटअप बना लीजिए। अगर पेपर 22 को नहीं है तो लगभग इसी जुलाई में तो है ही है, यानी 20-25 दिन ही है आपके पास तैयारी करने के लिए, तो आप तैयारी कीजिए, बाकी फालतू बातों पर ध्यान ना दीजिए, मैं तो यही कहूँगा, ठीक है। अगर फेक हुआ तो आपको बता ही देंगे, और नया फेक नया मान लो फेक है तो भी आपका कुछ जाने वाला नहीं है, आपको तैयारी करनी है, आपको एग्ज़ाम देना है और आपको मोटिवेट रहना है, तो ऐसे आने भी चाहिए। एक दो बीच में आते रहते हैं तो हम पुशअप रहते हैं, ठीक है, थोड़े से बिल्डअप रहते हैं ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहता है, अभी जल्दी भी एग्ज़ाम होंगे तो हम एक लाइन्स और लेंथ हमारी बनी रहती है, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही है, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, भगवान आपका भला करे और जल्द से जल्द प्यारी सी आपको नौकरी दे, ठीक है, धन्यवाद।